तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। आज है 10 अप्रैल 2023। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द हिंदू में, और कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करके चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल और केवल टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे द हिंदू में जो पहला पेज है वहाँ पे एक बिग कंटेंट दिया है, और यहाँ पे एक अच्छा सा आप कह सकते हो कि आप इन सभी चीज़ों को मीन्स में कोट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन टॉप्स 3000 शोज सेंसस। देखिए यहाँ पे ये इंडिया के जो टाइगर्स हैं, इंडिया में टाइगर्स हैं, ये इनका पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं एक हद तक बढ़ा है, 400 के करीब में बढ़ा है, 2600 के करीब में था, अभी 3080 हो गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, मतलब गैंगेटिक प्लेन है, वहां पे, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, लेकिन वेस्टर्न घाट वगैरह एरिया में इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है। तो ये थोड़ा सा मेजर कंसर्न रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि, और ये जो ये कंटिन्यू किया है पेज नंबर 12 पे, ठीक है, पेज नंबर सॉरी 10 पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बताई गई है, जैसे कि 2018 में बताया गया था कि जो टाइगर की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, सॉरी 1973 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आपको, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर हाँ शायद यही है, यही कुछ बताया है। तो उस कंटिन्यू यानी कि पेज 10 पे भी आप उसको देख लेना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप रुको, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ठीक है गाइस, देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए हाँ, ये बात सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो वहाँ पे ये करीबन 53 रिजर्व्स और 75,796 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे उसको मतलब कवर, मतलब वो पूरा कर रहा था प्रोजेक्ट टाइगर, रफली 2.3% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड, ठीक है। तो आप इन इन सभी डाटा को एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ, इन सभी डाटा को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। 2018 में 2603 थी, ठीक है। तो ये कुछ डाटाज हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कर दिया मैं, जूम कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पेज पे क्या था, ठीक है। हाँ, उसके बाद से आप टेलीकॉम अथॉरिटीज टुक 120 सेंडर आईडीज फॉर द बल्क मैसेज ओवर चाइनाज लिंक। इसको भी आप आईटी के हिसाब से पढ़ सकते हो, और इंडियन चाइना चाइना के जो रिलेशंस है उसके हिसाब से भी इसको आप पढ़ सकते हो, आईआर के हिसाब से भी, ठीक है। जो सेकेंड पेज है वहां पे हम लोगों ने देखा, वहां पे मैंने क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। सेकेंड पेज पे कुछ नहीं था। हाँ, सेकंड पेज पे आपको ये देखने को मिला कि टाइगर्स एंड लेपर्ड एलूड्स मोदी ऑन सफारी। तो ये आप पढ़ सकते हो कि मतलब ये कैसे है, मतलब जो एलिफेंट्स वगैरह है, जैसे मतलब कब क्या है, मतलब टाइगर्स लेपर्ड प्रोवाइड्स एलूसिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु एम्बार्क्ड ऑन द सफारी एट द बंदीपुर टाइगर रिजर्व ऑन संडे। हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर हैड अ गुड साइटिंग ऑफ स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स इंक्लूडिंग अ फ्यू लार्ज हेड्स ऑफ हर्ड्स ईच विथ 20 or 10 to 5 मेंबर्स अ लार्ज नंबर ऑफ। ये आप पढ़ सकते हो, ये ठीक ठाक है, कह सकते हो ठीक ठाक है, मैं इसको देखा नहीं एक्चुअली, स्ट्रिक्ट रूट, ठीक है। आप इसमें से कुछ कुछ डाटाज को कलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, मैं इसको देख लूंगा बाद में अपने लिए। तो यहाँ पे आप देख लेना, उसके बाद से जो फोर्थ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने को मिला नहीं गाइस। हाँ, उसके बाद से ये जो आर्टिकल था बिल्कुल बकवास आर्टिकल था आज का, और यहाँ पे तमिलनाडु का कुछ आर्टिकल यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। तो ये आर्टिकल आज का सही दिखा नहीं, मतलब लगा नहीं यार मुझे, दोनों आर्टिकल फालतू से लगे मुझे आज। लेकिन हाँ, आज के इटोरियल के पेज में ऐसे भी कुछ आर्टिकल थे जिन्हें आप अगर मिस करोगे ना, आप बहुत पछता जाओगे, दाएं दाएं पछता जाओगे गाइस। तो आप इन्हें मिस नहीं करना। मैं एक सेकंड नीचे में, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये एक सेकंड गाइस, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो आप, अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू द सेकंड स्पेस एज, ठीक है। तो ये आप स्पेस की शुरुआत कब हुई, स्टारलिंक वेब स्टारलिंक वगैरह क्या है, उसके बाद से मतलब बहुत सारी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो कि मतलब मैं पूरा का पूरा पढ़ा गया, इस पूरा समझ रहे हो आप, क्योंकि बिहार बीपीएससी वगैरह में भी इस तरह इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्टारलिंक क्या है, जो गगन प्रोजेक्ट क्या था, इसरो किससे मिला, कब मिला, जीपीएस क्या है, ये सभी चीजें इसमें दी गई है, ठीक है।
तो यूएसएसआर में शुरुआत कब हुई, टोटल स्पेस कब कौन चढ़ा, तो ये सारी चीजें स्पेस को लेके आज, मतलब कहीं ना कहीं स्पेस साइंस को लेके आज मस्त सा आर्टिकल था। और इस पूरे आर्टिकल को मैंने पूरा थ्रोली पढ़ा गाइस, बिलीव करो मजा सा आ जाएगा आपको पढ़ के, आई मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए आप डायरेक्ट एआई फॉर द बेटर एंड स्मार्टर लेसन, तो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये चीजें दी गई है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी मेंस में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और लेजिस्लेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे मे बी हो सकता है। बाकी आप इसको जरूर पढ़ना, ये बढ़िया सा आर्टिकल था, ठीक है, सेकंड में। उसके बाद से ये आर्टिकल कुछ नहीं था, इसमें एडिटोरियल के इस वाले पे कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है चाइना का जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट के बारे में जो जो कन्फ्लिक्ट है वही चल रही है, जो सीज किया हुआ है चाइना दो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट के, द हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंस को, वही दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल में एक यहाँ पे चीज देखने को मिला इसमें, ये डेक्रोनियन रूल्स, ठीक है, ड्रैकोनियन रूल्स, ये मतलब बढ़िया सा आर्टिकल था, ये मैंने पूरा पढ़ा, ये आर्टिकल बढ़िया था, मतलब समझ में आता है। आरटी वगैरह में, आईटी के क्षेत्र में जो अमेंडमेंट्स होने वाली है ना, उनके उन्हीं के बारे में कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ये सही रहा आर्टिकल। उसके बाद से हम सीधा आते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज पे, ठीक है, बाकी मतलब कुछ दिखा नहीं ज्यादातर, हाँ आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, हाँ ये आप कह सकते हो, ये थोड़ा सा आप देख लेना कि यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जो आईपीएस है, जो इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी है, उसने ये बोला है कि सेम सेक्स मैरिज को लेके बोला है कि वो सभी जगहों पे बढ़िया बढ़िया कंट्रीज में वो लीगलाइज है, जैसे ताइवान हो गया, आपको यूएस हो गया, यूके हो गया, तो हमारे इंडिया में भी ये हो जाए, LGBTQ के राइट्स के तहत मतलब हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ सकते हो LGBTQ के बारे में, ठीक है। हाँ उसके बाद से ये सीएल राव को नोबेल प्राइज मिला हुआ, तो इसके कुछ हेडलाइंस को देख लेना, ठीक है आप, मतलब ये ठीक है एक तरह से, मतलब सही है, पढ़ लेना आप एक बार इसको, क्योंकि सही है, सीएल राव के मतलब ये है इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये कुछ डाटा दिए गए हैं तो इसको आप देख लेना। और उसके बाद से साइबर क्राइम को लेके यहाँ पे ये थोड़ा सा डाटा वगैरह दिया गया है, तो व्हाट इज साइबर इंश्योरेंस डू स्मॉल इवेंट्स नीड कवर, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे दिया है, ये बोल रहा है कि आखिर साइबर सिक्योरिटी छोटे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं पे क्यों इतना अटैक कर रहा है, बाकी क्यों नहीं मतलब दूसरी जगह, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, तो ये आर्टिकल आज का बढ़िया रहा। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में, तो वर्ल्ड में मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड पे आज कुछ था ही नहीं यार पढ़ने के लिए, वर्ल्ड में क्या पढ़ूँ यार, ये कुछ मैक्रोन वगैरह, ये साउथ है, चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट है जो कि इशू चल ही रहा है कुछ समय से, और यही है बस, देख लेना अगर आपको लगे कि हाँ आप पढ़ना चाहिए, फिर वही है चाइना ने स्टिमुलेट किया स्ट्राइक ताइवान पे, वही है बस चीज़ें, ताइवान और चाइना रिलेशनशिप, और ये बस यूके प्राइम मिनिस्टर सुनक वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बाइडेन से नॉर्दर्न आइलैंड में, तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। बाकी मैं हाईली सजेस्ट करूंगा तो ये साइबर वाला पे पढ़ लेना आप, साइबर जो इंश्योरेंस है ना ये पढ़ लेना आप, ये पढ़ना ये आपके लिए जरूरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो अब आ ही रहे हैं, क्योंकि करंट का यही एक दो टॉपिक दिख रहा है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, थैंक यू।